राधे राधे जी, पवित्र वचन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भक्तों, हर शुभ संदर्भ पर भगवत गीता का पाठ किया जाता है। भगवत गीता के सातवें अध्याय के पाठ से पितृ देवताओं को शांति मिलती है तथा उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज मौनी अमावस्या है। भगवत गीता के सातवें अध्याय व उसके महात्मा कथा का श्रवण करने से पितरों को मोक्ष मिलती है तथा पितृ दोष समाप्त होता है। इस वीडियो में हम भगवद गीता के सातवें अध्याय व उसकी महात्मा कथा प्रस्तुत कर रहे हैं। भगवद गीता के अध्याय के पाठ के बाद महात्मा कथा अवश्य सुनना चाहिए। इसी से भगवद गीता के पाठ का फल प्राप्त होता है। आइए श्रवण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गीता का सातवां अध्याय पितृ मुक्ति और मोक्ष से जुड़ा है। इस अध्याय का नाम है ज्ञान विज्ञान योग। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, मुझ में अनन्य प्रेम से आसक्त हुए मनवाला और अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ मुझको संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबका आत्मरूप जिस प्रकार संशय रहित जानेगा उसको सुनो। मैं तुम्हारे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णता से कहूंगा कि जिसको जानकर संसार में फिर कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रहता है। हजारों मनुष्य में कोई ही मनुष्य मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई ही पुरुष मेरे परायण हुआ मुझको तत्व से जानता है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश और मन, बुद्धि एवं अहंकार, ऐसे ये आठ प्रकार से विभक्त हुई मेरी प्रकृति है। यह आठ प्रकार के भेदों वाली तो अपरा है, अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहो, इससे दूसरी को मेरी जीव रूपापरा अर्थात चेतन प्रकृति जान कि जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है। हे अर्जुन, तुम ऐसा समझो कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों परा और अपरा से उत्पन्न होने वाले हैं और मैं संपूर्ण जगत की उत्पत्ति तथा प्रलय रूप हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण सूत्र में मनियों के सदृश मुझ में गूंथा हुआ है। हे अर्जुन, जल में मैं रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में मैं प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में प्रणव यानी ओमकार मैं हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व मैं हूँ, पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में मैं तेज हूँ, संपूर्ण भूतों में मैं जीवन हूँ अर्थात जिससे वे जीते हैं वह तत्व मैं हूँ, तथा तपस्वियों में तप मैं ही हूँ। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज यानी कारण मुझे ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, आसक्ति और कामनाओं से रहित बलवानों का बल अर्थात सामर्थ्य मैं हूँ और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम मैं हूँ। और जो भी सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव है और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उन सब को तू मेरे से ही होने वाले हैं ऐसा जान। परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। गुणों के कार्य रूप यानी कि सात्विक, राजसिक और तामसिक, इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को वह तत्व से नहीं जानता। यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दस्तूर है। परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं
अर्थात संसार से तर जाते हैं। माया के द्वारा हरे हुए ज्ञान वाले और आसुरी स्वभाव को धारण किए हुए तथा मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझे नहीं भजते हैं। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे चार प्रकार के भक्तजन मुझे भजते हैं। उनमें भी नित्य मुझ में एकी भाव से स्थित हुआ अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझे तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। ये सभी उदार है अर्थात श्रद्धा सहित मेरे भजन के लिए समय लगाने वाले होने से उत्तम है, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह मतगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त हुआ ज्ञानी सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझे भजता है, वह महात्मा अति दुर्लभ है। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं अर्थात पूजते हैं। जो जो सकाम भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे ही द्वारा विधान किए हुए उन इच्छत भोगों को निस्संदेह प्राप्त करता है, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजे अंत में मुझे ही प्राप्त होते हैं। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जानकर व्यक्ति के भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमात्मा को तत्व से नहीं जानता अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न हुए सुख दुख आदि द्वंद रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अति अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं। निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाला जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेषादि जनित द्वंद रूप मोह से मुक्त और दृढ़ निश्चय वाले पुरुष मुझको भजते हैं। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को तथा संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो पुरुष अधिभूत और अधिदेव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित यानी कि सबका आत्मरूप मुझे अंतकाल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझको ही जानते हैं अर्थात मुझको ही प्राप्त होते हैं। इस प्रकार उपनिषद ब्रह्मा विद्या तथा योग शास्त्र स्वरूप श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण तथा अर्जुन के संवाद में ज्ञान वियोग नामक सातवां अध्याय संपूर्ण। भगवत गीता के सातवें अध्याय का महात्म्य स्वयं भगवान शिव जी ने माता पार्वती जी से कहा था। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अब मैं सातवें अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ, जिसे सुनकर कानों में अमृत राशि भर जाती है। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है, जिसका गोपुर यानी कि द्वार बहुत ही ऊंचा है
उस नगर में शंखकर्ण नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसने वैश्य वृत्ति का आश्रय लेकर बहुत धन कमाया, किंतु ना तो कभी पितरों का तर्पण किया और ना देवताओं का पूजन ही। वह धनोपार्जन में तत्पर होकर राजाओं को ही भोज दिया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वो सो रहा था, तब एक सर्प ने कहीं से आकर उसकी बाह में काट लिया। उसके काटते ही ऐसी अवस्था हो गई कि मणि मंत्र और औषधि आदि से भी उसके शरीर की रक्षा असाध्य जान पड़ी। तत्पश्चात कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वह प्रेत बना। फिर बहुत समय के बाद वह प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उसका वित्त धन की वासना में बंधा था। उसने पूर्व वृत्तांत को स्मरण करके सोचा, मैंने घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना जो धन गाढ़ रखा है, उससे इन पुत्रों को वंचित करके स्वयं ही उसकी रक्षा करूंगा। सर्प की योनि से पीड़ित होकर पिता ने एक दिन स्वप्न में अपने पुत्रों के समक्ष आकर अपना मनोभाव बताया। तब उसके पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े विस्मय के साथ एक दूसरे से स्वप्न की बातें कही। उनमें से मंझला पुत्र कुदाल हाथ में लिए घर से निकला और जहां उसके पिता सर्प योनि धारण करके रहते थे, उस स्थान पर गया। यद्यपि उसे धन के स्थान का ठीक-ठीक पता नहीं था, तो भी उसने चिन्हों से उसका ठीक निश्चय कर लिया और लोभ बुद्धि से वहां पहुंचकर बाबी को खोदना आरंभ किया। तब उस बाबी से बड़ा भयानक सांप प्रकट हुआ और बोला, ओ मूढ़, तू कौन है? किस लिए आया है? यह बिल क्यों खोद रहा है? किसने तुझे भेजा है? ये सारी बातें मेरे सामने बता। पुत्र ने कहा, मैं आपका पुत्र हूं, मेरा नाम शिव है। मैं रात्रि में देखे हुए स्वप्न से विस्मित होकर यहाँ का स्वर्ण लेने के कौतूहल से आया हूं। पुत्र की यह वाणी सुनकर वह सांप हंसता हुआ उच्च स्वर से इस प्रकार स्पष्ट वचन बोला, यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त कर। मैं अपने पूर्व जन्म के गाड़े हुए धन के लिए ही सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूं। पुत्र ने कहा, पिताजी, आपकी मुक्ति कैसे होगी? इसका उपाय मुझे बताइए, क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूं। पिता ने कहा, बेटा, गीता के अमृतमय सप्तम अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ दान तप और यज्ञ भी सर्वथा समर्थ नहीं है। केवल गीता का सातवां अध्याय ही प्राणियों के जरा मृत्यु आदि दुखों को दूर करने वाला है। पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन गीता के सप्तम अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराओ। इससे निस्संदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। वत्स, अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ निर्व्यसी और वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराना। सर्प योनि में पड़े हुए पिता के ये वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उसकी आज्ञानुसार तथा उससे भी अधिक किया। तब शंखकर्ण ने अपने सर्प शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण किया और सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन उनमें बांट दिया था, उससे वे पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी, इसलिए उन्होंने बावली, कुआं, पोखरा, यज्ञ तथा देव मंदिर के लिए उस धन का उपयोग किया और अन्नशाला भी बनवाई। तत्पश्चात सातवें अध्याय का सदा जप करते हुए उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। हे पार्वती, यह तुम्हें सातवें अध्याय का महात्म्य बतलाया, जिसके श्रवण मात्र से मानव सब पातकों से मुक्त हो जाता है।
भक्तों, यह थी आज की प्रस्तुति। आशा है आपको यह वीडियो अच्छी लगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखकर अवश्य कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इस प्रकार के और आध्यात्मिक वीडियोस पाने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल पवित्र वचन को सब्सक्राइब कर हमसे बने रहिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।